नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर से खबर सामने आ रही है जहां चकेरी थाना अंतर्गत क्रांति नगर चौराहे के निकट डेढ़ वर्ष पूर्व खुले रेस्टोरेंट का क्षेत्रीय निवास द्वारा विरोध किया जा रहा है। जी हां, बता दें विरोध स्वरूप उसे बंद कराने की मांग बजरंग दल द्वारा की गई। बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में आने वाले लोग मंदिर के पास नशेबाजी करते हैं व नॉनवेज के अवशेष मंदिर के पास ही फेंक कर चले जाते हैं। लाल बंगला बिरयानी की नई दुकान के खुलते ही पास की चौकी में शिकायत भी बजरंग दल द्वारा की गई थी, जिसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं पहुंचाई जाती है। इसके पूर्व भी कई बार विवाद हो चुका है, बता दें। वहीं दूसरी ओर डीसीपी पूर्वी ने कहा कि मैं 2 महीने से यहां पर हूं और मेरे सामने इस प्रकार की कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि दुकान में घुसकर जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिक से बातचीत कर दुकान का भी निस्तारण किया जाएगा। देखिए, मैं मौके पे भी गया और जो वहाँ पे मीटिंग दुकान जो कल और जो दुकान है वो कल उन्होंने किराए पे दे रखा और वहाँ पे कुछ लोग गए दुकान के उनके पास खाने पर आया हुआ मंदिर के बगल में दुकान नहीं। मैंने कहा ना कि मैं पिछले 2 महीने से रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ और मैं तो यहाँ पे 3 महीने में हूँ। मेरे पास कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं, कोई आकर के नहीं, किसी ने कोई बात नहीं। और अगर कंप्लेन है, अगर कोई ग्रीवांस है तो आप थाने पे आइए, चौकी पे आइए, बताइए और उस पर कार्रवाई। लेकिन कानून में हाथ लेने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। जो कानून में हाथ लेगा तो कर।